1098 चाइल्ड लाइन की घंटी बजी। फोन उठाते ही उधर से आवाज आई, सर बचा लीजिए नहीं तो बर्बाद हो जाएगा एक नाबालिग का बचपन। 11 साल की बच्ची का बाल विवाह हुआ है, उसे यूपी ले जाने की तैयारी है, जल्दी कीजिए नहीं तो बच्ची को लेकर चला जाएगा। चाइल्ड लाइन की टीम ने बिना देर किए पाकुड़ के मुफस्सिल थाना को सूचना दी। पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम गांव पहुंची, वहां से बच्ची का रेस्क्यू किया। मौके से पुलिस ने एक 25 साल के युवक को हिरासत में लिया। वो यूपी के मुजफ्फरपुर नगर के शाहपुर का रहने वाला है, उसका नाम सोनू कुमार कश्यप है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, पुलिस मानव तस्करी के एंगल से भी जांच कर रही है। वहीं बच्ची के माँ बाप से ये जानने की कोशिश कर रही है कि किस परिस्थिति में बच्ची की शादी की। सुनिए क्या बोले मुफस्सिल थानेदार और चाइल्ड लाइन के सदस्य। चाइल्ड लाइन पाकुड़ के द्वारा हमें सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की का 3 दिन पहले विवाह किया गया था और उसे यूपी ले जाने का कुछ प्लान वगैरह था, जिसकी सूचना हमें मिली और हम लोगों ने इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय पाकुड़ को दिया और उनके निर्देश पर मुफस्सिल थाना के द्वारा उक्त लड़की को हम लोगों ने बरामद कर लिया है और साथ ही एक लड़का को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वो यूपी का निवासी है, यूपी में एक गढ़ी दुर्गनपुर जगह है, थाना शाहपुर और जिला मुजफ्फरनगर, ये वहाँ का निवासी है। चाइल्ड लाइन 1098 सूचना से हम लोग को सूचना मिली थी और उसमें पता चला हम लोग को कि एक नाबालिग बच्ची का जो है शादी 3 दिन पहले हुई थी। इसके बाद पता चला कि बच्चा को वो उत्तर प्रदेश जो है ले जाने का तैयारी में था और मुफस्सिल थाना में हम लोग जो है वो तो सूचना दी, उसी के साथ जो है बच्ची को हम लोग जो है रेस्क्यू किए साथ में और रेस्क्यू करने के बाद मुफस्सिल थाना लाया गया। इसके बाद जो है आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। कोहराम लाइव के लिए पाकुड़ से जय की रिपोर्ट।